गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है आज के लिए एंजल गाइडेंस, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से कि क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ राफेल। वाओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि आज आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है, जिसे जिसका आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था, जैसे कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जैसे कि आपके बच्चे, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके कुछ सपने हैं जो कि साकार हो सकते हैं। आज आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपका रियूनियन होगा और आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ। वाओ, बहुत बेहतरीन सी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पे हारमोनी का कार्ड है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, यानी कि ये जो आपका रिलेशनशिप है एक नया जो है ना मोड़ आने वाला है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द मून, क्वीन ऑफ एरियल एंड है नाइट ऑफ राफेल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि देखो आपको जो है ना आपका आपका माइंड जो है ना मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत शांत नहीं रह रहा है, तो आपको शांत रखने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत टेंशन ले रहे हो, तो आप टेंशन मत लो। यहाँ की एनर्जी बता रही है आपको जो है इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचो कि हाँ मैं लो फील कर रहा हूँ या मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपको फ्यूचर आपने सोचा है अपने करियर के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, तो आप जो सोच रहे हो ठीक है सोचो। ठीक है, जो मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की है, तो एनर्जी काफ़ी हाई लेवल की है और आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखो आपकी लाइफ में जो है ना बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप जो है आपको देखने को मिलेगा चेंजेस अपनी लाइफ में, और यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट लाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, अपने अपने लिए इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, आपको अपने जो है थॉट्स में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप मैच्योर हो और प्रैक्टिकल होकर के थोड़ा सा सोचो। ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होकर के सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कभी कभी जो होता है ना कि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रैक्टिकल होकर के सोचो। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे तब जो है ना आपको एक अच्छा जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ राफेल का कार्ड भी बता रहा है कि आपको कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हो, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के साथ जो है आपका रियूनियन हो सकता है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है जिसका आपको मुझे लगता है कि बहुत टाइम से इंतज़ार था। ठीक है, तो आपके कदमों में आपकी खुशियाँ आ रही हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से आज इंजॉय करेंगे। तो ये है आज की एंजल गाइडेंस, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।